आप इजाजत देंगे तो मैं बात जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि आप मुझे अपनी बात करने का मौका फराहम कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि कल का वाला फैसला किसी जमात के लिए नहीं था, बल्कि ये अदलिया पर एक जो दाग था, जो अदलिया पे में एतमाद कौम का, सियासी जमातों का, उसकी तलाफी है किसी हद तक। आप देखें कि तमाम पॉलिटिकल जमातों ने और तमाम जमहूरियत आइन पसंद लोगों ने इस फैसले को सराहा और इस फैसले को अप्रिशिएट किया कि ये आइन कानून के मुताबिक दिया जाने वाला इंसाफ में मबनी फैसला है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि मेरे 7-8 साल ज़ाया हो गए ज़िंदगी के, मेरी जमात के, मैं तो सबक जाऊँगा या मुझे जद्दोजहद जो मैंने आइन कानून की बालादस्ती के लिए की उसकी सज़ा मुझे मिल गई इस शक्ल में कि मेरे 7-8 साल कर दिए गए। मगर क्या पाकिस्तान के, पाकिस्तानी कौम के 25 करोड़ लोग के जिससे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम आया, जिससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई आई, से दाखला खारजा पॉलिसी उसने पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया, पाकिस्तान के अदारों पे उंगलियां उठी, उसका मुतावा कौन करेगा? क्या ही अच्छा हो कि जहां कई सालों के बाद अदलिया से ऐसा फैसला आया जिसको पूरी कौम ने सराहा, वहां से उन लोगों के मुतल्लक भी बात आ जाए जिन लोगों ने दबाव में लाए और दबाव में आकर फैसला लोगों ने लिखा, उनके मुतल्लक भी ये बात आनी चाहिए, ये काम रुकना चाहिए कि भाई कहीं तो पाकिस्तान को सुकून चैन और पाकिस्तान को आईन कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। ये क्या तरीका है कि जब कोई ताकतवर, जब कोई दबाव में लाता है और दबाव में आ जाते हैं लोग इंसाफ करने वाले? और क्या निस सदी गुजरने के बाद भी जुल्फकार अली भुट्टो का केस लगा हुआ है? हम देख रहे हैं जुल्फकार अली भुट्टो फैसले के बावजूद वापस तो नहीं आ सकता, मगर एक ऐसी आप नजीर पैदा करते हैं, ऐसी नजीर बना सकते हैं कि जिससे आइंदा या कम अज कम वो लोग जो आज भी जिंदा हैं जुल्फकार अली भुट्टो के हम ख्याल, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर के या तमाम पॉलिटिकल जमातों के जो लोग हैं उनको ये तस्वीर हो सके कि उस वक्त एक अदालती कत्ल था। और एक मैं बात और कहना चाहूंगा, देखें 9-10 मई से पहले मैं आ जाता हूं, 9-10 मई का भी जिक्र नहीं करते, 9-10 मई से पहले जो कुछ इमरान खान ने कहा किया और जो मेरे दानिश्वर हजरात कुछ एंकर साहबान ये कह रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ सलूक, नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक हुआ और आज इसके साथ क्या सलूक हो रहा है। बात सीधी है कि अगर तो, और ये कहते हैं कि आलमी कुवतों ने
एक एजेंडे के तहत उन लोगों को निकाला और आज इसको निकाला, कोई इस्तेमाल हुआ। मुझे सिर्फ कोई मेरे सवाल का जवाब ये दे दे कि जुल्फकार अली भुट्टो ने सर्व किया, उसका एक बड़ा कारनामा उसने इस्लामी ब्लॉक बनाया, उसका बड़ा कारनामा उसने पाकिस्तान के को तस्वीर बनाने की बने, नवाज शरीफ का बड़े कारनामे बहुत से, उनमें से चले मैं एक दो कह सकता हूं, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबले तस्वीर नवाज शरीफ ने बना के दिखाया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया। ये आलमी कुवतों को जो पाकिस्तान को अदमे इस्तेहकाम का शिकार या मजबूत देखना नहीं चाहती, उनका तो एजेंडा था, उन्होंने तो साजिश की नवाज शरीफ जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ और यहां से लोग इस्तेमाल हुए, या उनको भी उनसे इंतकाम लेना था, तो उन दोनों क्या मकासद एक थे। मगर मुझे कोई ये तो समझा दे, इमरान खान ने अपने 4 सालों में कौन ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसकी वजह से उन कुवतों को जो पाकिस्तान में अदमे इस्तेहकाम चाहती हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की में जाता नहीं देख सकती, उनको क्या तकलीफ पहुंची कि इमरान खान के इस फेल से, इस काम से पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर दाखिली खारजी इस्तेहकाम की इसकी पॉलिसियां सबब बनेगी और हमारी मदाखलत कम हो जाएगी। कोई एक अगर उसका कारनामा है तो फिर तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ को आलमी कुवतों की भी साजिश थी हटाने में और यहां के मोरे काम आए, उसके लिए भी आ सकते हैं, मगर ऐसा कोई कारनामा था नहीं। मगर मुझे ये कहने की भी इजाजत दें कि जब मैं ये बात करता हूं कि सहूलत का आज भी मौजूद है, तो फिर मैं आज एक आपको 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 2-4 मिसालें दे रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, जेल के अंदर से उसके उनके सामने धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? क्या उसको उस तरह बेनकाब किया गया? उस खबर को एक छोटी सी खबर लगी, खत्म हो गई। भाई जो बंदा 2011 से अदारों में बैठे लोगों को धमकाता आ रहा है, उस पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, उसका हौसला बढ़ाया जा रहा है, तो फिर मुझे ये बताएं कि इसकी इस चीज को मकबूलियत कहें, और फिर मुझे ये बताएं कि मुझे ये कहा जाता है कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। भाई 2-4 शीशे टूटने को आप हमला कहते हैं, तो फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ, फिर आप देखें हमारे लोगों को सजाएं भी हुई। अगर उसको मैं हमला मान लूं, तो फिर मुझे कोई ये बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की रात को दीवारें फलांग के उसकी छत पे मसल्ला लोगों ने कब्जा कर लिया क्या, और फिर रात को 12 बजे कोर्ट भी खुल जाए, क्या किसी ने इमरान खान पर तोहीने अदालत का या अदालत पे हमला करने किया मुकदमा दर्ज किया? किसी ने बात तक न की। फिर सहूलत कार्य किसको मैं कहूं? फिर आप मुझे ये बताएं कि आज तक वो शख्स जुडिशियल कंप्लेक्स पे कब्जा करने वाला, वो शख्स अदारों में बैठे लोगों को धमकाने वाला, आज तक उस हवाले से किसी ने बात की? और फिर मुझे ये बताएं कि एक बड़ा जिक्र था कतरी खत का, किस तरह उसको उछाला गया, किस तरह उसकी हकीकत को जुटलाया गया और किस तरह जबाने जद आम किया गया कि कतरी खत, कतरी खत। मुझे ये बताएं कि क्या साइफर किसी ने लहराया नहीं? क्या साइफर पे
कोई डटा नहीं रहा? क्या उस तरह साइफर केस को किसी ने उछाला? क्या साइफर पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान की जो जग हसाई हुई, जो कानूनी तकाजे थे, क्या इसको सहूलतकारी नहीं कहते? क्या इसके हवाले से किसी ने उस तरह इसको सीरियस लिया? और फिर मुझे अब आ जाए 9-10 मई पे, मुझे आज को ये बता दे कि क्या 9-10 मई का वाकया हुआ है या नहीं। और अगर 9-10 मई का वाकया नहीं हुआ उसको छोड़ें, और अगर 9-10 मई का वाकया करना जुर्म नहीं है तो पाकिस्तान का आईन कानून बदलें और उसको छोड़ें, और अगर 9-10 मई का हमला करना पाकिस्तान के आईन के मुताबिक जुर्म है तो फिर सजा क्यों नहीं? फिर मुझे ये बताएं कि 7 माह गुजरने के बाद भी अदारों की तरफ से खामोशी क्यों है? फिर मुझे ये बताएं कि क्या अदारे जो हैं वो कमजोर के लिए हैं, और अदारे क्या जो इस तरह का मुंह खोल के, और मैं ये बड़ी अदब से ये गुजारिश करूंगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ये पहले वो कच्चे के डाकू होते थे, सरदार होते थे कच्चे के, क्या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता पूरा कच्चा इलाका बन गया है कि इसका एक सरदार बना दिया गया है जो सबको गालियां दे, सबको धमकाए, और जेल में बैठ के भी लोगों को धमकाए और उसको कोई पूछने वाला ना हो? फिर मुझे ये बताएं कि कच्चे के डाकू तो छोटे डाकू हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान का डाकू बन गया और जेल में बैठ के भी अपनी हदायत और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला लेने की देने की धमकियां देता है और कोई उसको पूछता नहीं है। फिर मुझे ये बताएं ये कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड है? मैं तो ये कहता हूं कल का फैसला एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए एक पहला कदम है। हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब ऐसे बहुत से फैसले आईन कानून के मुताबिक मुनसिफाना अदल के मुताबिक दिए जाएंगे, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हम समझेंगे। ये एक कदम उठाने को हम लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए नहीं समझते, क्योंकि हमारे लिए बहुत सी जगहों पे, बहुत से मौकों पे सिसिलियन माफिया, डॉन और पता नहीं किसका यार, किसका गद्दार, किसके लिए पाकिस्तान का जितना बजट नहीं है इससे ज्यादा इंडिया को पैसा भेज दिया उसके अकाउंट में नवाश, क्या क्या अलकाब और क्या क्या हमारे लिए कहा गया, क्या हकायक इसके जो हैं कोई चंद सत्रें भी इसके लिए किसी ने कही? और जो सोशल मीडिया पे जो एक कैंपेन चल रही है आज भी, क्या हमारे लिए जो हजारों लोग भर्ती किए गए थे, क्या वो हजारों लोग उस वक्त तो पाकिस्तान के टैक्स से उनको तनख्वाहें दी जाती थीं, आज की तनख्वाहें उनको देने वाले असबाब और कहां से वो तनख्वाहें दी जा रही हैं, कौन सा पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या आज भी वो सहूलत मयसर है तो उनको सहूलतकारी कौन कर रहा है, ये बताया जाए। और फिर ये जो फैसले, हम नहीं कहते अगर वो बेगुना है, और अगर मेरे आज का निगरान वजीर आजम ये बात कहें कि जनाब मुझे पता नहीं है कि 9-10 मई में वो जेल का में रहने वाला शख्स जो है वो मुलव्वस है या नहीं, अगर निगरान वजीर आजम को 7 माह गुजरने के बाद भी अदारे एजेंसियां नहीं बता पाई कि वो मुजरम है या नहीं, तो फिर मैं क्या कहूं, फिर मैं अपने अदारों के मुतल्लिक क्या सोचूं, फिर मैं ये क्या कहूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये कौन करवा रहा है,
और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, अगर ये ही तसलसल जारी रहेगा जो पिछले 7-8 साल से जारी है और आज भी उसके लिए उसी तरह काम हो रहा है जिस तरह उसको 2011 में लॉन्च किया गया था और उसके लिए फिर सारा कुछ प्ले करके उसका नाम दिया जाता था कि ये भी सादक और अमीन है, ये भी इंसाफ फराहम करने वाला है, ये भी कर्जे उतारने वाला है, यही मसीहा है जो महंगाई कम कर सकता है, यही मसीहा है जो और कर्जे नहीं लेगा, ये और पैसे की रुपए की कदर बढ़ाएगा, डॉलर को बिल्कुल नीचे ले जाएगा, जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान के अंदर मारूसी सियासत खत्म कर देगा, पाकिस्तान के अंदर से करप्शन खत्म कर देगा। फिर सारा कुछ बढ़ जाने के बावजूद भी आज उसको बार बार कहा जाता है वो बड़ा मकबूल है। क्या पाकिस्तान मुखालफ काम करने वाले जो लोग हैं उनको आप मकबूल ही कहेंगे? और खुदा ना खास्ता अगर मैं उनकी बात मान लूं सोशल मीडिया में जो एक कैंपेन चलाई जाती है, तो क्या मैं फिर ये समझूं कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मुखालफ काम करने वालों के फॉलोअर पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जिन्होंने सर्व किया पाकिस्तान के लिए, खुदा ना खास्ता उनकी मकबूलियत कम हो सकती है? ये वो चीजें हैं जो आपको इलेक्शन से पहले कहना पड़ेगी, आपको जबान खोलनी पड़ेगी, आपको पाकिस्तान भर की सियासी जमातों के लिए 25 करोड़ लोगों के लिए रहनुमाई के लिए आपको हकीकत बताना पड़ेगी कि ये 9-10 मई का मुजरम है या नहीं। और ऐसा जुर्म करने वाले को पाकिस्तान का आईन कानून गद्दार कहता है या मकबूल कहता है, ये फैसला करना पड़ेगा। और आखिर में जो लोग हमारे मुतल्लिक कह रहे हैं कि जनाब आप खामोश हैं, जो लोग हमारे मुतल्लिक कह रहे हैं कि आप जलसे जुलूस कर क्यों नहीं रहे, तो मैं उनकी खिदमत में यह गुजारिश करूंगा कि हमारे तमाम लोग जिन जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं अपने हलकों में वो कॉर्नर मीटिंग से लेके जलसे जुलूस कर रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारी क्यादत जो है वो शेड्यूल उनका कल या परसों जलसों का दे दिया जाएगा, जिससे वो भी एक जो आवाज़ उठती है वो भी इस हवाले से कि वो निकल नहीं रहे, वो टिकटों के फैसलों के बाद शेड्यूल जब आएगा तो वो भी जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाने की सोशल मीडिया पे कोशिशें हैं वो भी दम तोड़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया। देखें, जेल में तो हम अवाम कौम आइन कानून की बालादस्ती के लिए जाते हैं और बार बार जाते रहे हैं। ये जो बात जिनकी आप कर रहे हैं, मैं इसे ज़्यादा उनके मुतल्लक इसलिए नहीं कहना चाहता कि उनके वालदे ग्रामी जो हैं वो उनको संजीदा नहीं लेते। जब उनकी उम्र संजीदगी की होगी तो यकीनन इस पे बात ज़रूर करेंगे। देखें, पीपल्स पार्टी से किसी सतह पे हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। देखें, मैं तो ये जाती तौर पे मेरी राय है और मैं जब भी मेरी क्यादत मुझसे पूछे या मौका मिले तो मैं तो इस सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पंजाब भर में हमें किसी जगह कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और अपने लोगों के जो हमारे साथ हर साल से खड़े हैं, जिनकी जदोजहद है, उनकी कुर्बानी पे हम किसी तौर पर किसी दूसरी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहते। अब आप क्या चाहते हैं कि लेवल
देखें, गुजारिश ही है कि ये सवाल ही कोई मुनासिब सवाल नहीं है, और आप हमेशा से अपनी ख्वाहिश या अपने अंदर का कोई जो जज्बा या ख्वाहिश है उसका इजहार सवाल के सूरत में करते हैं। गुजारिश इतनी है कि हमारा माजी गवाह है 2018, 2008, 2002 कि क्या हमने ऐसी कभी ख्वाहिश की है और ना कभी करेंगे। हम तो आज भी कहते हैं कि अगर 9-10 मई का जो जुर्म किसी ने किया है अगर उसको जुर्म नहीं समझा जाता या आप भी उसको जुर्म नहीं समझते तो कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर जेल का फाटक खोल के उसको बाहर लाया जाए, और अगर आप उसको जुर्म समझते हैं तो उसका भी इलेक्शन से पहले फैसला किया जाए ताकि 25 करोड़ आवाम को पता चले कि 9-10 मई का फेल करना जुर्म है या नहीं। दूसरा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने ये बात की भी है कि भाई आप इस शख्स को 9-10 मई के वाक़े से पहले भी जो कुछ ये करता रहा है उसको सियासी लीडरशिप के साथ उसका तकाबली जायज़ा भी ना लें, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है, ये वो शख्स है जो डंडे के जोर पे, और क्या आपकी अदालतों ने माजी के फैसले जो हैं माजी की अदालतों में क्या नवाज शरीफ को बेगुनाह को सजा देकर बैलेंस करने कभी अदालतों में बैलेंस किया जाता है? एक दूसरे बेगुनाह को सजा दे दी महज इसलिए कि दुनिया को दिखाया जाए कि देखिए हमने दोनों तरफ से एक जैसा सलूक किया है। तो इस तरह अदालतें नहीं किया करती, ना अदालतों में कोई जंग हो रही होती है कि दोनों फरीक को डंडे मारने हैं, दोनों फरीकों को बराबर शो करना है। अदालतें जो हैं आईन कानून के मुताबिक हर एक के साथ एक जैसा सलूक करती हैं, भले दोनों खिलाफ जाएं, भले दोनों हक में जाएं। देखें, अगर आप 10-12 पॉइंट को मंशूर कहते हैं तो वो तो जलसे जुलूसों में आप रोज सुनते भी हैं, और अगर आने वाली हुकूमत जो हुकूमत बनाने वाली जमात होती है वो यकीनन अवाम की जो ख्वाहिश अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हकीकत पसंदी पे वो अपना मंशूर देती हैं कि हमारी तरजीहात क्या होंगी अगर हमें आपके तामन हुकूमत बनाने का मौका मिले। इस तरह नहीं होता कि आपके पास वसाइल भी ना हो तो आप कहें कि 300 यूनिट जो है वो फ्री कर दिया जाएगा और आते ही मैं जो है वो जो है तनख्वाह डबल कर दूंगा। क्या आज पाकिस्तान में जो मौजूदा तनख्वाहें हैं वो आप देने की पोजीशन में रह गए हैं? पाकिस्तान में इतने वसाइल कम हो गए हैं कि आप जो मौजूदा लोगों की जितनी तनख्वाहें हैं वो वक्त पे देने की पोजीशन में नहीं रह गए। मेरी ख्वाहिश, मेरी भी दुआ है कि हम इस पोजीशन में आए कि 4 गुना कर दें, मगर आप वो बात करें जो कल को आप कर सकें। नहीं, मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि देखें, किसी का बीमार हो जाना, किसी का अपनी ज़ाती वजूह की बना पे छुट्टी लेना, इससे अगर इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होता हो तो फिर कोई किसी एक को पकड़ के ज़बरदस्ती कह दे कि तू इस्तीफ़ा दे दे तो क्या शेड्यूल मुतासर हो जाएगा, इलेक्शन मुतासर हो जाएगा? अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर रात को दावा बोला था, हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर कब्जा कर लिया था,
दबाव में लाकर मजबूर किया गया था कि रात 12 बजे भी कोर्ट खुले, और दबाव में लाकर वो फैसले भी लिए गए थे अपने हक में, उन पे अगर तो एफआईआर हो गई है, उनको आप हमला कहते हैं, और फिर आप जो कह रहे हैं नैब के ऑफिस के बाहर, नैब के ऑफिस के बाहर अगर पथराव हुआ था तो आप देखें कि गद्दारी के गद्दी के एफआईआर हुई उन लोगों पे, क्या इन पे हुई है? और जहां तक आपका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ लोगों के नाम लिए, तो मैं आज भी कह रहा हूं कि जो अदारों में बैठ के लोग उस अदारे की ताकत को गैर आइनी मकासद के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, किसी को फायदा देने के लिए और किसी को नुकसान देने के लिए, रियासत को नुकसान देने के लिए बात करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पहले भी उनका नाम लिया था, आइंदा भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनका निशानदेही की जाए ताकि रियासत को नुकसान से बचाया जा सके। टकराव नहीं, देखिए बात सीधी है कि अगर आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला आ जाता है तो क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे? नहीं आ सकेंगे। मगर ये हकीकत सामने लाना ज़रूरी है कि लोगों को पता चल सके कि पर्दे के पीछे कौन लोग होते हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, और फिर किस तरह कौमी लीडरशिप का कत्लेआम किया जाता है, जिस तरह नवाज शरीफ का आपने जिक्र किया। तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि नवाज पहले बरी हुए, फिर उसके बाद आज ताहयात उनकी नाहली ख़त्म होती है? तो ये नवाज शरीफ का केस नहीं था, ये 25 करोड़ अवाम का केस था, जिसकी वजह से आप देखें कि 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जो सियासी जमातें हैं, कोई एक जमात बशमूल पीटीआई भी उसमें शामिल कर लें कि किसी ने कहा हो कि यह फैसला दुरुस्त नहीं है, सब ने कहा कि यह फैसला दुरुस्त है, तो फिर इससे अखज ये होता है ना कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई थी, फिर ये इससे आपको ये मतलब लेना चाहिए ना कि पीटीआई भी कहती है आज कि नवाज शरीफ के साथ दबाव में लाकर फैसले करके नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। ये मैं खुश खाली नहीं हूं, ये 25 करोड़ अवाम खुश हुए इससे कि चलें देर से सही, मगर कम से कम उस तरफ एक कदम तो उठा। देखें ये जो आपका सवाल है, मेरा भी सवाल है, ये 25 करोड़ अवाम का भी सवाल है, फैसला देने वालों के सामने कि सिर्फ फैसला दे देने से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसकी तलाफी नहीं है, उसकी तलाफी उस वक्त होगी जब आप फैसला करवाने और करने वालों को भी कटहरे में लाएंगे। आज फैजाबाद धरने के हवाले से क्यों हम जोर देते हैं, उसमें नवाज शरीफ का तो कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका तो कोई फायदा नहीं है, उसमें किसी फैसला करने वाले का जो फ्यूचर में फैसला करेंगे उस केस के हवाले से, या इन्वेस्टिगेशन सेल जो बना या इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनी, उसका तो कोई फायदा नहीं है। उसमें फायदा तो है पूरी पाकिस्तानी कौम का कि इनके पीछे जो लोग करवाने वाले होते हैं उनको कौम के सामने बेनकाब किया जाए ताकि आइंदा कुदरत ना करे ऐसे फेल की। तो मैं समझता हूं कि उस कमेटी का टाइम आगे करने की दरख्वास्त करना कि इसके टाइम फ्रेम को बढ़ाया जाए, मेरी गुजारिश होगी अदलिया से, उस बेंच से, कि जिन्होंने मेहरबानी की पूरी पाकिस्तानी कौम पर के कमीशन बना के उसका टाइम फ्रेम दिया, उस टाइम फ्रेम को बढ़ाना नहीं चाहिए,
उस टाइम फ्रेम में फैसला दिया जाए, ताकि उससे भी इलेक्शन में इलेक्शन दिन लोगों को वोट करने में रहनुमाई मिलेगी। देखें, मेरा ख्याल है कि फिर आपने पढ़ा नहीं है उस दिन को या उस करारदाद को या सेनेट की प्रोसीडिंग को, आपने नहीं देखा कि सेम डे वो करारदाद टेबल की गई और सेम डे लाए गए। अगर उससे पहले वो करारदाद जमा करवाई गई होती तो लोगों को, सेनेट के मेंबरान को इल्म होता, यकीनन फिर उस दिन गैर हाजिरी पे उनको नोटिस किया जाना चाहिए था। मगर जो शख्स पेश कर रहा है, सेम डे ला रहा है और पेश कर रहा है और टेबल की जा रही है चेयरमैन सेनेट के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ 12-14 जो सेनेट के मेंबरान हैं उन पे ये साबित होता है कि वो आईन कानून के मावरा अवाने बाला में ऐसा किरदार अदा कर रहे थे, उसमें चेयरमैन सेनेट भी उतने कसूरवार हैं जिन्होंने सेम डे उसको टेबल करने की इजाज़त दी। और चेयरमैन सेनेट को ये चाहिए था कि इतना हसास इशू था तो वो दो दिन का टेबल हो भी जाती, मगर दो दिन का मार्जिन देते ताकि तमाम वो जमातें जिनकी नुमाइंदगी सेनेट में मौजूद है उनके मेंबरान सेनेट में उस दिन हाजिर होते और वो अपनी जमात की तरफ से अपना मौका पेश करते, जो कि नहीं करने दिया गया। इसमें जहां मेंबरान की ज्यादती है वहां ज्यादा ज्यादती और ज्यादा जिम्मेदारी सेनेट के चेयरमैन पे भी है। बहुत शुक्रिया।